नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है हमारे चैनल नेक्स्ट नाइन स्पोर्ट्स पर। मेरा नाम है दीपक गुप्ता। तो विराट कोहली का सोवा टेस्ट, जी हां दोस्तों, इस मैच का सभी फैंस को बेसब्री से इंतजार था। मोहाली के मैदान पर 4 मार्च को खेला जाना है मुकाबला। दोस्तों आप सभी को बता दें कि इस मुकाबले में काफी उठा पुठक चल रही थी फैंस को लेकर, कि फैंस आएंगे या नहीं आएंगे। और विराट कोहली और फैंस का तालमेल आपने पिछले कई सालों से देखा कितना बेहतरीन रहता है। ऐसे में इस बड़े मौके पर विराट कोहली के फैंस अगर मैदान पर ना मौजूद रहो तो कितना बड़ा झटका लगता। लेकिन ये बात सामने निकल कर आई थी कि जिस राज्य में मैच हो रहा होता है, स्टेडियम होता है, वहां की राज्य सरकार तय करती है कि कोविड गाइडलाइंस के तहत क्या क्रिकेट के स्टेडियम में फैंस की अनुमति दी जा सकती है या नहीं। तो उसको लेकर पहले दोस्तों ये अनुमति थी कि फैंस नहीं आएंगे, लेकिन अचानक से दोस्तों काफी कुछ क्रिकेट कोविड गाइडलाइंस फॉलो करने के बाद ये मन बनाया गया है कि 50% फैंस की अलाउंस कर दी गई है, यानी कि 50% दर्शक हमें देखने को मिल सकते हैं स्टेडियम में। तो 50% भी दोस्तों काफी है, क्योंकि विराट कोहली कहीं ना कहीं उनसे ही काफी एक्साइटेड हो जाने वाले। तो 5 दिन तक चलने वाले इस टेस्ट, इंडिया वर्सेज श्रीलंका का यह टेस्ट है, 4 तारीख से शुरू होगा। इसकी बाकी की अपडेट हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है। तो आप कितने खुश है दोस्तों विराट कोहली के फैंस को पाकर स्टेडियम में, और विराट कोहली के सोवे टेस्ट को लेकर। क्या इस सोवे टेस्ट में ये अपने शतक का सूखा, जो पिछले 3 सालों से 2019 से चला आ रहा है, वो शतक का सूखा ये खत्म कर पाएंगे या नहीं, तो ये तो हमें टेस्ट के दौरान ही पता चल पाएगा। वैसे कई सारे खिलाड़ियों की वापसी हो रखी है, रविंद्र जडेजा से लेकर रविचंद्रन अश्विन तक की वापसी हुई है, शमी बुमराह सब हमें नजर आने वाले हैं। तो श्रीलंका एक खैर नहीं T20 में सुपड़ा साफ की, अब बारी है टेस्ट की। तो क्या लगता है दोस्तों, विराट कोहली टेस्ट किस तक का सूखा इसी मैच से खत्म करेंगे या नहीं? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर छोड़िएगा। नेक्स्ट नाइन चैनल को सब्सक्राइब करके बने रहे हमारे साथ। धन्यवाद।